नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नंबर पर। स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी से। सपने में किसी एक कंट्री से या किसी एक देश से दूसरे देश में जाना या दूसरी कंट्री में जाना, सपने में जहाज़ में बैठकर एक कंट्री से एक देश से दूसरे देश में यात्रा करना साधना सिद्धि का संकेत है। पर कौन सी सिद्धि का संकेत है? साधना में इसका क्या अर्थ है? क्यों दिखता है स्वप्न में ये चीज़ बार बार? ये संकेत पॉजिटिव है या नेगेटिव है? भक्तजनों के मन में एक प्रश्न ही बन के रह जाता है। इन चीज़ों का ज्ञान आप बुक्स में किताबों में ढूंढने लगोगे तो शायद आपको ये उत्तर नहीं मिलेगा। कोई योग्य पुरुष, कोई योग्य गुरु ही आपको इन चीज़ों के बारे में विवरण करके बताता है कि ये चीज़ें आपको क्यों दिखाई देती हैं। सपने में एक देश से दूसरे देश में यात्रा करना साधना में सिद्धि मिलने का ही संकेत है, पॉजिटिव साइन है ये। अब ये जाने कैसे और किन किन साधनों में आपको दिखता है, कौन कौन से भक्तों को दिखता है और क्यों दिखता है और कब दिखने की संभावना होती है इसकी? लंबे समय की जो लोग संकल्पित साधना में होते हैं उनको ये दिखता है। अगर आपको दूसरे देश में आप जहाज़ में जाते हो ट्रैवल करके, अगर आपको स्वप्न में इतना ही दिखता आप जहाज़ में बैठे हो उड़े नहीं हो, तो अभी आपकी साधना में प्रॉपर बोल से अगर सिद्धि प्रदान नहीं हुई है। जहाज़ में बैठे हो, जहाज़ रनवे पे जा रहा है, जहाज़ उड़ता हुआ दिखा लेकिन उतरता हुआ नहीं दिखा, तो आप साधना के अंतिम चरण में हो, पहुँचे नहीं हो। अगर जहाज़ एक कंट्री से जा रहा है यानी भारत से उड़ता दिख रहा है आपको, तो या आपको भारत के एक शहर से एक कोने से उड़ता हुआ दूसरे कोने में अगर आपको लोकल दिख रहा है उसका अर्थ अलग है। अगर एक से दूसरी कंट्री में दिख रहा है यानी भारत से वो दुबई जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, कनाडा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, उसका संकेत बिल्कुल अलग है। अगर ऐसा संकेत आपको दिखाई देता है और जहाज़ उड़ रहा बैठ भी गया, जहाज जाके मान लो ऑस्ट्रेलिया उतर भी गया लेकिन आप एयरपोर्ट्स के बाहर नहीं जा पाए, आपको पुलिस वालों ने घेर लिया, किसी ने रोक लिया, थाम लिया, तो याद रखना साधना सिद्धि में नियम तोड़ा गया है, फल पूरा नहीं मिला। इन केस आप पूर्ण रूप से पहुंच जाते हो और अच्छे से आप पैसा चल रहा है और आप वहाँ पे कमा रहे हो और आपको सेटल होते वहाँ पे दिख रहे हो, तो याद रखना ये गद्दी मिलने का संकेत है। 110% आपको गद्दी मिल गई है देवता की। अब आप कार्य कर सकते हो किसी चीज़ का 110%। ये आदेश लंबे समय से भक्तजन जो भक्ति करते हैं गुरु श्रेणी में करते हैं उनको मिलता है। ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पे विजिट करना sunny.sharma.blogspot, जिसका के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु को चेला को गुरु ने किसी के जान से मत पसना। सभी धर्मों का आदर्श कर्मन करते और व्यक्ति के दायरे को धर्म रखते, मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्ष, नौरचंद, सन्नीनाथ, चारों ही मेरे चैनल है। सबसे ज़्यादा वीडियो सन्नीनाथ पे आने हैं, बाकी की सारी सर्विस पेड है। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। ये जहाज़ में बैठना, उतरना, सफ़र करना, लंबी यात्रा करना, देश में पहुंचना, नहीं पहुंच पाना, जहाज़ उड़ा नहीं, जहाज़ में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, साधना सिद्धि के साथ हर एक प्रकार की लिंक्ड चीज़ें हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बाकी की सर्विस